मैं बोलता ना आपको, पेपर डे बीच में चल रहा था, पेपर डे के बाद मैंने कहा था आपको, इशारा करके पेपर डे के बाद बोलूंगा, नहीं कभी नहीं, मैंने कहा था पेपर डे बीच में चल रहा था उसके बाद। अब राज्यपाल अभिभाषण बोल लेना, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, डॉक्टर हिना गावित। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की अगुवाई करने का मुझे अवसर और सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज का दिन अध्यक्ष महोदय बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 31 तारीख को एक महिला राष्ट्रपति ने इस सदन में अभिभाषण किया, 1 फरवरी को महिला वित्त मंत्री ने यहाँ पर बजट पेश किया, और आज उस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद को धन्यवाद प्रस्ताव लाने का सौभाग्य मुझे मिला है, और यह उसी नई संसद में हुआ है जिस संसद की पहली सिटिंग में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये इस संसद में पास हुआ, और ये ऐसा बिल है जो पिछले 3 दशकों से महिला आरक्षण का यह बिल लंबित था और उसे पारित इस सदन में किया गया। महिलाओं को सशक्त करने वाला यह विधेयक था, और 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में यहाँ इस बिल के माध्यम से दिया गया। ये अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने 75 मिनट का अभिभाषण हमारे यहाँ हमारे सामने दिया, और उसमें उन्होंने 75 वर्ष की हमारी देश की यात्रा उन्होंने बताई। इस 75 मिनटों में उन्होंने आने वाले 25 वर्षों का विजन भी हमारे सबके सामने यहाँ पे रखा है। मैं अभिभाषण के समय विपक्ष के हमारे साथियों का चेहरा देख रही थी, और उनके चेहरे पे मुझे मिक्स्ड इमोशंस दिखे। एक तरफ हमारे जब महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी सरकार की अनेक उपलब्धियों के बारे में बता रही थी, तो उनके चेहरे पे एक हैरानी दिखाई दे रही थी कि इतनी सारी उपलब्धियाँ इस सरकार की है, और दूसरी तरफ यह भी दिखा कि वो थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे कि अभी हम सरकार को किस विषय पे कटाक्ष करें, किस विषय पे उन पे हम आरोप करें। और यह जायज़ भी है, क्योंकि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस प्रिंसिपल पे इस देश में निरंतर विकास के काम शुरू किए हैं, और इस यह जो डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है, यह डेवलपमेंट देखने के बाद मुझे तो ये लगता है कि इंडिया अलायंस के कई सारे साथी धीरे धीरे करके उधर से इधर हमारे साथ आने लगेंगे। मैं इंडिया अलायंस का जो अभी ये हाल है उस पर एक शेर यहाँ कहना चाहूँगी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के समय बोला था। न माझी न हम सफ़र न हक में हवाएं, न माझी न हम सफ़र न हक में हवाएं, है कश्ती जर्जर ये कैसा सफ़र है। आज इंडिया अलायंस की हालत एक ऐसे क्रिकेट टीम की तरह हो चुकी है जहाँ 11 प्लेयर खुद कैप्टन बने हुए हैं, कोई एक दूसरे का सुनता नहीं। और मैं तो यह बताना चाहूँगी कि जैसे बंगाल में ममता दीदी वहाँ की कैप्टन है, वो वहाँ कांग्रेस को अपनी टीम में लेना नहीं चाहती। पंजाब के कैप्टन केजरीवाल जी है जो कांग्रेस को 12th मैन की तरह या एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह उन्हें वहाँ पे रख रहे हैं। इंडिया ये तो अध्यक्ष महोदय, इंडिया अलायंस ने बिग बॉस का कार्यक्रम की तरह लगने लगा है, जहाँ सब रहते एक छत के नीचे है, लेकिन सबकी नज़र वो प्रधानमंत्री की ट्रॉफी पे है कि वो किसे मिलेगी। और जैसे कल हमारे यहाँ
हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 का जो फुल बजट है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही लाएगी। और यह मुझे विश्वास है जिस तरह से हमारी सरकार की नीतियाँ और जिस तरह से विकास का काम हमारी सरकार कर रही है, इस देश की जनता पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी को ही यह अवसर देगी कि 2024 का आने वाला फुल बजट ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में आएगी। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी जी को ही चुनते हैं। अभी कुछ दिनों में चुनाव आएगा और सब देश के वासियों के सामने एक सवाल रहेगा कि किस दल को उनको वोट करना है। और यह इलेक्शन बाकी चुनावों से थोड़ा अलग रहेगा, यह विचारधारा पर आधारित नहीं तो डिलीवरी वर्सेस डिले की लड़ाई पर लोग वोट करेंगे। जहां एक तरफ हमारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कारण लोगों को जो लाभ मिल रहा है, जो डिलीवरी हम योजनाओं की कर रहे हैं वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ यूपीए के 10 साल में जहां पॉलिसी पैरालिसिस और डिले के कारण यहां लोगों का विकास नहीं हो पाया, इस बार का चुनाव एफिशिएंसी वर्सेस डेफिशिएंसी का चुनाव होगा। एक तरफ भाजपा सरकार है जहां एफिशिएंट पॉलिसी के कारण पासपोर्ट 2 दिनों में यहां पे लोगों को मिलता है, तो दूसरी एक तरफ यूपीआई के माध्यम से सब्जी से लेके सोने की खरीदारी तक ट्रांसपेरेंसी से यहां पे व्यवहार होता है। और दूसरी तरफ यूपीए के कार्यकाल में जब 2G जैसे टेक्नोलॉजी में घोटाला हुआ, ऐसी चीज़ें भी लोग जानते हैं, तो इसलिए यहाँ एफिशिएंसी वर्सेस डेफिशिएंसी इस विषय पर लोग वोटिंग करेंगे। मैं और भी यहाँ हाल ही में एक सांसद के यहाँ इतनी धनराशि प्राप्त हुई है कि एजेंसीज 3 दिन तक वहाँ राशि गिनते रहे। हमारे इलेक्शन का जब वोटिंग होता है तो वोटिंग के बाद भी काउंटिंग 1 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन इनका भ्रष्टाचार इतना है कि 3-3 दिन तक वहाँ पर गिनती चलती रहती है। राजनीति में हम कई बार ये कहते हैं कि विपक्ष एकजुट है या और सरकार स्थिर या अनस्टेबल है, लेकिन आज बिल्कुल विपरीत यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारी सरकार एकजुट है और विपक्ष अनस्टेबल है, और हर दिन कोई ना कोई पार्टी समर्थन उनका वापस ले रही है। और इसी परिस्थिति को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह पृथ्वी पंच तत्व पर बनी हुई है, उसी तरह हमारे देश का विकास पंच तत्व पर फोकस, कुछ फोकस एरियाज पर यहाँ पे काम किया है। पहला है महिला, दूसरा है किसान, तीसरा है वंचित और गरीब वर्ग, चौथा है युवा और पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं एक महिला हूँ और इसलिए मैं मेरी बात महिलाओं के विषय से शुरू करूँगी। 2014 के पहले हमारे देश में ऐसी स्थिति थी, उस समय मैं खुद एक स्टूडेंट थी, और हमारे देश में 2014 से पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हमारे देश की महिलाओं के मन में एक डर बैठ गया, वे अपने आप को असुरक्षित मानने लगी। लेकिन जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, तो वो सरकार आने के बाद जो पहला कदम हमारी सरकार ने लिया, जब हम लोग सांसद बनने के बाद यहाँ पे ओथ लेते हैं, उससे भी पहले हमारे इस सदन का जो सबसे बड़ा पद होता है स्पीकर का, उस स्पीकर पर स्पीकर के पद पर हमारे संसद की 8 बार चुन के आई हुई एक महिला सांसद को मौका मोदी जी ने उस समय दिया, और महिला सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन जी का चयन इस वरिष्ठ पद के लिए यहाँ किया गया। और इसी उनकी पॉलिसी से ये पता चलता है कि महिलाओं के प्रति उनका जो विश्वास है। मैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई सारी हमारी सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई है उसके बारे में यहाँ बताना चाहूँगी। हर तबका, हर वर्ग, हर क्षेत्र की महिलाओं के लिए पॉलिसीज हमारी सरकार ने बनाई। महिलाओं की भागीदारी, चंद्रयान 3 हो या COVID-19 महामारी, हर जगह महिलाओं का योगदान बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि पहले महिलाओं में प्रतिभा नहीं थी, पहले भी हमारे देश में महिलाओं में बहुत प्रतिभा थी, लेकिन महिलाओं को अवसर की कमी थी, और वो अवसर देने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और इस कारण आज हर क्षेत्र में हम यहाँ महिलाओं को
देख रहे हैं, आज सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर और जो पॉलिसीज है उसके कारण महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए आज देश में 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन्हें 8 लाख करोड़ बैंक लोन और 40,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो 2014 के पहले भी बनते थे, लेकिन उन्हें सही तरह से ट्रेनिंग, स्किलिंग और मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग हमारी सरकार ने दिया, तो उसके कारण SHGs आज जो चीज़ें बना रही है वो केवल भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी आज हमारी महिला SHGs वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है। और रूरल इकोनॉमी में हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप का आज बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक उन्नति के लिए 2 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का भी अभियान हमारी सरकार यहाँ चला रही है। टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ने के लिए नमो ड्रोन दीदी जैसी बहुत अच्छी योजनाएं हमारी सरकार लेके आई है, जिसके कारण आज 15,000 ड्रोन्स ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जिससे वो खेतों में जाके फर्टिलाइजर की वहाँ पे स्प्रेइंग हो सके और जो फर्टिलाइजर केमिकल के कारण कई बार जो अलग अलग बीमारियाँ होती है उससे हमारी माताएँ बहनें बच सके। मैटरनिटी लीव के बारे में यहाँ पे विशेष रूप से बताना चाहूँगी। मैं एक डॉक्टर होने के नाते, एक महिला होने के नाते ये इस सदन को मैं बताना चाहूँगी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी होती है तो प्रेगनेंसी के समय और डिलीवरी के बाद भी उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि तुरंत डिलीवरी के बाद वो रिकवर नहीं हो पाती। उसको पहले हमारे देश में मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों की दी गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को यह महिलाओं को क्यों हमें मैटरनिटी लीव बढ़ा के देनी चाहिए, इसका विचार हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और केवल पॉलिसी ही नहीं तो कानून में बदलाव करके 12 हफ्तों से 26 हफ्तों तक का मैटरनिटी लीव हमारी सरकार ने महिलाओं को, हमारी माताओं को यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग हमेशा से महिलाओं को, नारी शक्ति को दुर्गा का रूप हम कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि पिछले 60 वर्षों में उनकी देश की रक्षा का अवसर महिलाओं को बड़े पैमाने पे नहीं मिल पाया? और हम तो उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ झांसी की रानी की वीरता और शौर्य का उदाहरण हम बच्चों को देते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिया। सैनिक स्कूल्स में आज तक केवल लड़कों का ही एडमिशन होता था, लेकिन अभी सैनिक स्कूल और नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्थाओं में अभी महिलाओं को भी वहाँ पे कैडेट्स का प्रवेश, वहाँ पे महिला कैडेट्स का प्रवेश वहाँ पे मिलेगा। और हम लोग तो नेचुरली कहते हैं कि महिला में फाइटर स्पिरिट होता है, लेकिन वो फाइटर स्पिरिट सही मायने में आज हमारी महिलाओं को फाइटर प्लेन्स और नेवी के जहाज के कमांडेंट के रूप में आज हम महिलाओं में जो फाइटर स्पिरिट है वो देश की सुरक्षा के लिए आज उनका जो योगदान है वो आज सही मायने में हम देख पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारी देश की राष्ट्रपति जी महिला है, हमारी देश की वित्त मंत्री महिला है और पहली फुल टाइम वित्त मंत्री इस देश को जो मिली है वो हमारी सरकार ने दी है। और हमारी वित्त मंत्री जी ने 6 बजट लगातार पेश करने वाली देश की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने 6 बजट लगातार पेश किए इस सदन में। और हमारी पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वर्गीय सुषमा जी वह भी इस देश की पहली फुल टाइम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रही है। तो इस तरह के रोल्स में हमें महिलाओं का जो लीडरशिप है वो इस सरकार ने हमें यहाँ पे दिखाया है। आज ज़मीन से लेके आसमान तक हर क्षेत्र में महिलाएं अपना झंडा लहरा रही है। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आने वाले समय में महिलाओं का योगदान विमेन लेड डेवलपमेंट इस प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने यह बिल लाया हुआ था और जिसके कारण आने वाले समय में इस सदन में हमें 33% महिला सांसद इस सदन में हमें दिखेगी। यह सभी कदम जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने उठाए हैं ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया?
कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला थी, हमेशा वो महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं के लिए इस तरह नहीं सोचा। आज ये इतनी सारी चीज़ें जो महिलाओं के बारे में हमारी सरकार ने की है, ये सब हमें नई क्यों लग रही है? ये लोग हमेशा कहते हैं कि 60 साल में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन यदि ये 60 सालों में इन्होंने ये चीज़ें की होती तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो 10 साल में किया वो 60 साल में भी इनकी सरकारें नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे पास नीति भी है और नियत भी है। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को नई परिभाषा दी है, नए आयाम दिए हैं, नया विस्तार दिया है। पहले प्रतिनिधित्व पर बल दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और अब उससे भी आगे बढ़कर महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आ रही है। यह परंपरा से परिवर्तन तक की यात्रा है, यही महिलाओं की सच्ची प्रगति है और सच्चा सशक्तिकरण है। महिलाओं के बारे में मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा है विधान ये, और नारी के योगदान को मोदी सरकार का प्रणाम है। अगले तत्व पे यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी और वो है किसान। हम एक पुराना गाना हमेशा सब लोग सुनते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, अर्थात हमारे देश की इकोनॉमी हमेशा एग्रीकल्चर ड्रिवन रही है। आज भी हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में अगर हम देखें कि मेन ऑक्यूपेशन लोगों का ये खेती ही है। यूपीए के टाइम पे ऐसा होता था कि कई किसान कर्ज में डूबते थे और फिर सरकार आके उनका कर्ज माफ करता था। लेकिन हमने कभी ये सोचा है क्या कि किसान कर्ज में क्यों डूबते थे? क्योंकि इनकी किसानों के लिए बनाई हुई नीतियाँ ये फेलियर थी और इसके कारण हमारे किसान सक्षम नहीं हो पाए, उनकी आय नहीं बढ़ पाई और इसलिए हमारे देश के किसान ये कर्ज में डूबते गए। हमारी सरकार ने किसान की आय दुगनी करने का एक एजेंडा सामने लाया और योजनाएं उसी आधार पर बनाई। सबसे पहले फार्म टू फूड पॉलिसी बनाकर अलग अलग स्कीम्स हमारी सरकार लेके आई। जब किसान को उसके खेत में बीज बोने होते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार लेके आई, जिसमें 6,000 प्रति वर्ष किसानों को दिए जा रहे हैं। इसमें आज देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है और 2,80,000 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिए गए हैं। एक बार किसान ने अपने खेत में बीज बोने के बाद उसको ज़रूरत होती है पानी की, तो पानी हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बेस पे योजनाएँ ला के हमारे किसानों को समृद्ध करने का काम हमारी इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यदि किसान उसके खेत में कुछ बोता है, वो उगता है और किसी कारणवश उसका नुकसान होता है तो किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मदद करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। इससे पहले भी हमारे देश में अध्यक्ष महोदय बीमा योजनाएं थी, लेकिन उन योजनाओं में और हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस समय की फसल बीमा योजना ये इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा कराने के लिए थी, लेकिन हमारी सरकार ने लाई हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों की हित की है, किसानों को इसमें से फायदा होता है और इसके आंकड़े बता देते हैं कि कितने किसानों को यहाँ पे फायदा हुआ है। 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम हमारी सरकार ने इस योजना के अंतर्गत दिया और 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख करोड़ क्लेम्स किसानों को दिए गए। इतनी बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यहाँ पे किसानों को मदद की गई है। जो किसानों के खेतों में कोई फसल आई तो उसे मार्केट में बेचने से पहले यदि वो कहीं स्टोर करना चाहे तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ भंडारण योजना भी हमारी सरकार लेके आई है, और अगर कोई किसान उसके खेत का उपज एक्सपोर्ट करना चाहे तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी हमारी सरकार लेके आई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 लाख करोड़ तक का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का अभी तक हमारे देश से हुआ है और ये अभी तक का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हमारे देश में से अभी तक हुआ है। जिन किसानों के खेती में जो उपज आता है वो यदि खराब हो जाए या बहुत अच्छा क्वालिटी का ना हो तो उस पर यदि वो प्रोसेसिंग करना चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से अलग अलग फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स भी ग्रामीण क्षेत्रों में सेटअप करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इतना ही नहीं,
तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का एक बड़ा संगठन तैयार करने का काम भी हमारे सरकार ने किया है। अभी तक 8,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में बन चुके हैं। खेती के साथ साथ मत्स्य पालन, पोल्ट्री व्यवसाय, बकरी पालन, ऐसी अनेक योजनाओं को से किसानों को आज लाभ मिल रहा है। और इतना ही नहीं तो किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएँ भी हमारे यहाँ इन मत्स्य पालन, पोल्ट्री, गोटरी, इस तरह की योजनाओं में यहाँ पे ऋण दिया जा रहा है। मत्स्य पालन में तो पिछले 10 सालों में 95 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मेट्रिक टन तक का प्रोडक्शन आज देखने को मिल रहा है। हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे तत्व है वो है गरीब और पिछड़ा वर्ग। मोदी जी खुद एक गरीब परिवार से आते हैं और इसलिए वहाँ वो जानते हैं कि गरीबों की क्या समस्याएं हैं और उसे किस तरह से दूर की जाए। मैं खुद एक आदिवासी परिवार से आती हूँ और मैं यहाँ आपको बता सकती हूँ कि यदि कोई गरीब घर का हो या कोई आदिवासी परिवार का हो, उन सबकी एक ही सबसे महत्वपूर्ण अड़चन उनके सामने जो है वो है मूलभूत सुविधाओं की। कांग्रेस की यूपीए सरकार जब बनी तो उन्होंने कई बार कहा, गरीबी हटाने का नारा दिया। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीब ये मुख्य धारा से हट गए। और वो कैसे हटे वो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। गांव में रहने वाले जो गरीब है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका तो पूरा ज़िंदगी निकल गया कि उनको उनके सपने का आवास कब मिलेगा, उनको अपना हक का घर कब मिलेगा। और जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आए तो देश के 2 करोड़ लोगों को अभी तक उन्होंने आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिया। मैं एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब मैं अपने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्र में जब मैं जाती हूँ तो 70-80-90 वर्ष की आयु के बुजुर्ग मुझे उन गाँव में आके मिलते हैं और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देते हैं कि उनका पूरा जीवन निकल गया, उनको आवास नहीं मिला, उनको बुढ़ापे में उनके जो अधिकार था वो आवास उनको वहाँ पे मिला है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो आवास के साथ साथ दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या होती है, गंदा पानी पीने से लोग बीमार होते हैं या कई गाँव में तो पानी ही नहीं होता। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अड़चन को समझा और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन जैसी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ला करके आज देश में 11 करोड़ परिवारों को पहली बार पाइप से पानी उनके घर तक पहुंचा है। गांव में रहने वाली हमारी माताएं, बहनें आज बहुत खुश है क्योंकि जब घर में पानी नहीं होता तो इन माताओं और बहनों को हंडे में भर के दूर दूर से पैदल जाके पानी लाना पड़ता था। तो आज प्रधानमंत्री जी की इस योजना के कारण हमारे महिलाओं का ये टेंशन दूर हो गया है। दूसरा बड़ा टेंशन हमारी महिलाओं को होता था खाना पकाने का, क्योंकि अगर उनके पास चूल्हा है तो चूल्हा जलाने के लिए उनको लकड़ियाँ लानी पड़ती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी योजना लाकर आज देश की 10 करोड़ माताओं और बहनों के घर में गैस कनेक्शन पहुँचाया, जिसके कारण आज हमारी माताएं बहनें जो चूल्हे से निकलने वाला धुआं, उस वो धुआं आँखों में जाता था, आँखों की बीमारियां होती थी, सांस की बीमारियां होती थी, तो आज ये हमारी सभी माताएं और बहनें इस टेंशन से मुक्त हो गई है कि आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कोई बेटा अपनी बुजुर्ग माँ की सेवा करता है, उस तरह इस देश की हमारी माताओं और बहनों की सेवा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज ये सभी योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी लाए हैं, इससे हमारी माताओं बहनों का जीवन पूरी तरह से आज बदल गया है। जो कठिनाइयाँ उनको आती थी वो कठिनाइयाँ उनकी आज दूर हो गई है और प्रधानमंत्री जी नेता नहीं देश का बेटा बनकर काम कर रहे हैं। इसलिए तो सब लोग कहते हैं घर घर मोदी, घर घर मोदी। कोरोना काल में अध्यक्ष जी देश के गरीबों को 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया और केवल कोरोना काल तक ही सीमित नहीं रखा तो अभी आने वाले 5 साल तक यह मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे देश में लेके आए, हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना। अध्यक्ष जी, महलों में रहने वालों को गांव और गरीब के घर का अंधेरा नहीं दिखता,
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी खुद एक गरीब परिवार से आते हैं और इसलिए घर में बिजली न होने के कारण कितनी तकलीफें उस घर में रहने वालों को सहनी पड़ती है ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी जानते हैं और इसलिए वो हर घर बिजली योजना लेकर के आए। आज मेरे क्षेत्र का ही एक उदाहरण मैं यहाँ दूंगी। मेरे क्षेत्र में एक आदिवासी क्षेत्र में धड़गांव नाम का तालुका है, उस तालुका में वो पूरा पहाड़ में है और ये योजना आने के पहले कहाँ घर है कहाँ नहीं कुछ दिखता नहीं था क्योंकि वहाँ बिजली ही नहीं थी। लोग उनके घर में छोटा लालटेन लगा के उस लाइट में वो रहते थे। मतलब आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन उन गांव में बिजली नहीं पहुँची। जब सौभाग्य योजना हर घर बिजली योजना उन गांव में दी गई, आज जब उस क्षेत्र में जाते हैं उस एरिया में जाते हैं तो जैसे दिवाली में घर के बाहर दिए लगते हैं उस तरह पूरा पहाड़ रोशनी से चमकता है। और एक गांव में जब मैं इस योजना का उद्घाटन करने गई थी तो वहां तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उन्होंने ये कल्पना ही नहीं की कि कभी उनके घर में बिजली आ सकती है। तो इस तरह के यहाँ पे योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं। आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जैसे अच्छे स्कूल्स हर ब्लॉक में आज बनाए गए। आज तो मेरे क्षेत्र के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में आज मेरिट पे वहाँ एडमिशन ले रहे हैं। और इतना ही नहीं तो जो आदिवासी क्षेत्र में भी बहुत ही जो पिछड़ा वर्ग है जिसको हम PVTG ग्रुप्स कहते हैं जो मुख्य धारा से आज भी वंचित है उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना जैसी एक बहुत अच्छी योजना हमारी सरकार लेकर के आई है ताकि ये PVTG ग्रुप्स भी आज मुख्य धारा में आ सके। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों से लोग ग्रस्त है पीड़ित है। अभी तक देश में सिकल सेल एनीमिया इराडिकेशन के लिए कोई डेडिकेटेड मिशन कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं था लेकिन हमारी सरकार सिकल सेल एनीमिया इराडिकेशन के लिए एक नेशनल मिशन ला करके आज देश के 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी लोगों का टेस्टिंग सिकल सेल एनीमिया में कर चुकी है और इसके कारण आने वाले समय में सिकल सेल धीरे धीरे आदिवासी क्षेत्रों में से पूरी तरह से इराडिकेट हो जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है इसके डेवलपमेंट में भी 5 प्रमुख इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करके उन इंडिकेटर्स पर काम यहाँ पे शुरू किया है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के गरीबों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ। उन्हें यह विश्वास जागृत हुआ कि यदि हमें कोई गरीबी से बाहर निकाल सकता है तो यही इंसान निकाल सकता है यही व्यक्ति निकाल सकता है। और आज हम अगर नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो देश के 25 करोड़ लोग ये गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं और सही मायने में आज इस गरीब वर्ग को वंचित वर्ग को न्याय देने का काम इस सरकार ने किया है। अगला मेरा जो यहाँ पे तत्व जिस पर मैं बोलना चाहूँगी वो है युवा। हम हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि युवा देश का वर्तमान भी है और हमारे युवाओं के अचीवमेंट्स को प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपना सोशल मीडिया हो या अपना वक्तव्य हो हमेशा वो उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते रहते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे वो एशियन गेम्स हो या चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत किसी युवा ने कोई अच्छा काम किया हो या कोई युवा गायक हो जिसने कोई नया यहाँ पे गीत गाया है कोई धार्मिक गीत वहाँ पे उसने गाया हुआ है। हर क्षेत्र में जो युवा अच्छा काम कर रहे हैं उसकी सराहना हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई और उसका फास्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हमारी सरकार ने किया। एजुकेशन के बारे में जब भी हमारे विरोधी पक्ष के साथी यहाँ बोलते हैं तब वो हमेशा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बोलते हैं। मुझे उन्हें यह सवाल पूछना है कि पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 2002 में आई, नई एजुकेशन पॉलिसी आने को 20 साल लग गए, तो ये 20 साल आप लोग ने एजुकेशन के क्षेत्र में क्यों काम नहीं किया। आज यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद केवल राष्ट्रभाषा में ही नहीं तो भारत की जितनी अलग अलग भाषाएं हैं उन भाषाओं में आज मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ इस तरह के कोर्सेज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इस ये सही मायने में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है। स्कूल एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री विद्यालय की स्थापना की जा रही, करीब 14,000 इस तरह के विद्यालय हमारे देश में बन रहे हैं जिसमें से 6,000 विद्यालय यहाँ पे बन चुके हैं। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके कारण आज स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत बड़ी मात्रा में कम हुआ है।
इतना ही नहीं तो हायर एजुकेशन एडमिशन का रेट हमारे यहाँ आज बढ़ते हुए दिख रहा है। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी आज हायर एजुकेशन ले रहे हैं। एससी वर्ग का यहाँ पे 44% एडमिशन रेट बढ़ गया है, एसटी कैंडिडेट्स का 65% एडमिशन रेट बढ़ गया है, ओबीसी कैंडिडेट्स का 44% एडमिशन रेट हायर एजुकेशन में यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे इनोवेशन पे भी हमारी सरकार फोकस कर रही है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा युवकों को यहाँ पे इनोवेशन के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या यदि हम देखें 2014 के पहले तो 7 एम्स और 390 मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में थी। 2014 से अभी तक हमारे देश में 16 एम्स बन चुके हैं और 315 नए मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं, जिससे एमबीबीएस की सीट्स भी अभी डबल हो गई है। 157 नर्सिंग कॉलेजेस नए खोले गए हैं और युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हमारी सरकार स्पोर्ट्स इकोनॉमी पे भी बहुत फोकस कर रही है। खिलाड़ियों को हर तरह की मदद की जा रही है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप कर ली है, कई शहरों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस बनाकर युवाओं को एक स्पोर्ट्स भी आपका एक प्रोफेशन हो सकता है इस तरह का अवसर युवाओं को देने का काम यहाँ पे हमारी सरकार कर रही है। मेरा युवा भारत माई भारत जैसा संगठन बनाकर 1 करोड़ युवाओं को माई भारत के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। एक मुहावरा है जो हम लोग युवाओं के बारे में, जब हम भी छोटे थे तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज जिस तरह के अवसर हमारे युवाओं को दिए जा रहे हैं तो यह मुहावरा थोड़ा सा बदल कर मैं यहाँ पे बोलूँगी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। आज देश का युवा हमारा केवल जॉब सीकर नहीं तो जॉब क्रिएटर जॉब गिवर बने, इस पॉलिसी पे हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा उद्योगपतियों को गालियाँ देती है तो मैं उन्हें यह याद दिला दूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन का माध्यम बन सकता है। आज कांग्रेस पार्टी एक तरफ जब उद्योगपतियों को गालियां देती है तो उन्हीं के पार्टी के एक मुख्यमंत्री दाओस में जाके उन्हीं उद्योगपति के साथ एमओयू साइन करते हैं ताकि उनके वहां के युवाओं को भी रोजगार मिल सके। तो ये है कांग्रेस का दोहरा चरित्र, एक तरफ वो यहाँ पे उद्योगपतियों को गालियां देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के साथ एमओयू साइन करके रोजगार निर्मिति के लिए काम करते हैं। आखिरी तत्व यहाँ पे इस सरकार के विकास का है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी सरकार इकोनॉमी को जो सबसे ज़्यादा बूस्ट यहाँ पे मिलता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अध्यक्ष जी, 10 वर्षों के पहले भारत फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज माना जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों के कारण आज हम लोग टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुँच चुके हैं और वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे देश यहाँ पे बनेगा। अध्यक्ष जी, 10-12 साल पहले जब मैं खुद स्वयं कोई विदेशी देश में जाती थी तो वहाँ के रोड्स, वहाँ के रेलवे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब देखने के बाद मैं ये विचार करती थी कि क्या ये सब कभी हमारे देश में भी आएगा क्या। लेकिन यहाँ मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज जब हम वंदे भारत जैसी ट्रेन्स देखते हैं, आज जब हम स्टेशन रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स देखते हैं, नए एयरपोर्ट्स बनते हुए देखते हैं, और एक तो मेरा स्वयं उदाहरण ही मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मेरा संसदीय क्षेत्र जहाँ है वहाँ से सबसे पास वाला एयरपोर्ट सूरत है, जिसका कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। और वो एयरपोर्ट पे जाने के बाद यकीनन बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये हमारे भारत का एयरपोर्ट है। इतना सुंदर और इतना अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस तरह के एयरपोर्ट्स की निर्मिति हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं जिस राज्य से आती हूँ, महाराष्ट्र से, वहाँ पे समृद्धि महामार्ग जैसा एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे वहाँ पे बना है, और कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल सेतु, जो आज भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, उसका भी लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये सब पॉसिबल है केवल हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण।
पहले हम बोलते थे भारत में यूएस जैसे रोड्स क्यों नहीं है या यूरोप जैसी ट्रेन्स क्यों नहीं है, लेकिन आज हमारे देश के जो रोड्स और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बना है, तो कई सारे देश आज ये कहने लगे हैं कि हमारे देश में भी भारत जैसा रोड और भारत जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, हमें भी भारत जैसे रोड्स और रेलवे हमारे देश में बनाने हैं। आज भारत दुनिया को दिशा दे रहा है और भारत बाकी कंट्रीज़ को किस दिशा में उन्हें डेवलपमेंट करना है यह भी गाइड कर रहा है। आज अध्यक्ष जी, यूपीआई के माध्यम से आज जो ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए, इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है और सिंगापुर और कतर जैसे जो देश है वो आज हमारे देश का यूपीआई अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। हमारे देश में कोविड महामारी के कारण जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया उस समय कोविन ऐप जो था वो दुनिया का पहला ऐसा ऐप है जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो टीकाकरण कोविड के टाइम पे हुआ वो पूरी तरह से उसमें डिजिटाइज किया गया। आज यूएस जैसे देशों में भी इस तरह का कोई ऐप नहीं, आज वहाँ भी कोविड वैक्सीनेशन के लिए कागज़ पे सर्टिफिकेट लेके लोग जाते हैं, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डिजिटली डाटा और रिकॉर्ड हमारे कोविन ऐप में यहाँ पे आज बनाया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत देश आज रूल फॉलो करने वाला देश नहीं तो ग्लोबल लीडर के रूप में आज उभरा हुआ है। G20 के आयोजन में हमने प्रधानमंत्री जी का विजन तो देखा ही है। अभी तक हमारे देश में जितनी भी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती थी अध्यक्ष जी, वो केवल नई दिल्ली में होती थी और यहाँ मीटिंग होके ख़त्म हो जाता था, देश में किसी को कहीं पता नहीं चलता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन G20 का जब हमने भारत को अध्यक्षता हमारे भारत को मिली तो मोदी जी ने G20 की मीटिंग्स कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके गुजरात तक हर राज्य में G20 की मीटिंग्स वहाँ पे आयोजित हुई और G20 मीटिंग्स केवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स तक सीमित नहीं हुई, तो जिस शहर में मीटिंग हो रही थी वहाँ जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज हमारी सरकार पर्यटन स्थलों के डेवलपमेंट पे भी विशेष रूप से ध्यान दे रही है। पर्यटन स्थल डेवलप होने से केवल उतना एरिया नहीं डेवलप होता तो पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, पूरे शहर का और आसपास के शहर का भी वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलती है। अभी एक कुछ दिन पहले 22 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और इस प्राण प्रतिष्ठा कुछ साल पहले तक अध्यक्ष जी अयोध्या में 4 से 5 सिर्फ होटल्स थे, आज अगर आप जाओगे तो देश के जितने बड़े होटल्स जितने बड़े नाम सब वहां पे हैं। इसके कारण हजारों की संख्या में वहां रोजगार निर्मिति भी वहां के लोगों को और परिसर के लोगों को हुई है। केवल इतना ही नहीं, आज हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखें, महाकाल कॉरिडोर देखें, सब तरफ इसी तरह से डेवलपमेंट करने का काम हमारी सरकार कर रही है, इससे लोकल इकोनॉमी भी वहाँ पे बूस्ट हो रही है। ये 5 तत्व जो है यही आगे जाके विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे और विकसित भारत का मतलब केवल GDP ग्रोथ नहीं, इसका मतलब है विकसित महिला, विकसित किसान, विकसित युवा, विकसित पिछड़ा वर्ग और विकसित समाज। मैं विकसित भारत केवल कोई पार्टी की विचारधारा नहीं, यह देश के हर नागरिक की विचारधारा है। मैं अपना भाषण कुछ पंक्तियों में समाप्त करूंगी। वैसे तो हमारी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी पॉलिसीज बनाई है कि हम हफ्ते भर, पूरा एक हफ्ते से ज़्यादा हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो समय आवंटित किया गया है उसकी मर्यादा ध्यान में लेते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ कह के अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पत्थर हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मजहर हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको, विपरीत हालत में भी आता है दरिया पार करना हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री SP सिंह बघेल।